सत श्री अकाल, एक बार फिर तुहाडा स्वागत है सत्तवीं दी पंजाबी दी जमात विच। ते अज असी पढ़न जा रहे हैं पाठ नंबर 3, जिसका नाम है लोहड़ी दा त्यौहार। लोहड़ी दे त्यौहार बारे सारे ही पंजाबियों के बच्चों नूं तां सारिआं नूं ही पता है। वैसे तो यह हरियाणा पंजाब दोनों का मुख त्यौहार है, पर पंजाब का यह रवायती त्यौहार है। पंजाब विच मुख रूप विच मनाया जाता है। इस लैसन नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि यह एसे दे रूप विच भी पेपर विच आउंदा है। इस करके अज असी इस पाठ विच पढ़ांगे कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस दे पिछे की कारण है अते कदों तो मनाया जाता है। ठीक है, इस पाठ विच लोहड़ी दा त्यौहार जो कि पंजाब दा त्यौहार है उसका वर्णन किया गया है। लोहड़ी खुशियां दा त्यौहार है। लोग खुशी विच लोहड़ी वंडदे हन। आम तौर पर तो यह पहला मुंडियां दे जम्मण ते वंडी जाती सी, पर अजकल दे लोग यह कुड़ियां दे जम्मण ते भी लोहड़ी वंडन लग गए हन। यह त्यौहार ना हर साल पोह दे महीने की आखिरी तरीक नूं पंजाब विच बड़े धूमधाम नाल मनाया जाता है। पोह दा महीना एक देसी महीना है। पोह दे महीना यह बहुत ज़्यादा ठंड हुंदी है उदों आउंदा है। पोह दे महीने बहुत ज़्यादा कहिंदे आ ठंड हुंदी है, ते पोह दे अखीरले दिन मनाया जाता है। अगले दिन तो माघ दा महीना शुरू हो जाता है, और यह अंग्रेजी महीने दे अकॉर्डिंग जनवरी दी 12 या 13 तरीक नूं आउंदा है। यह खुशियां दा त्यौहार है। जिन्हां घरां विच मुंडा होया होवे या जिन्हां दे घर मुंडे दा विआह होया होवे, ओह लोग इस त्यौहार नूं खास तौर ते मनाउंदे हन अते अपने मुंडे की विआह की खुशी विच ते जम्मण की खुशी विच लोहड़ी वंडदे हन घर घर विच। ठीक है, अगे पढ़ते हाँ। लोहड़ी जो है पंजाबियों का विशेष त्यौहार है। वैसे तो शहरों विच भी लोहड़ी बड़े धूमधाम नाल मनाई जाती है, पर लोहड़ी का जो नज़ारा पिंडों विच वेखण नूं मिलता है वह शहरों विच नहीं मिलता। पिंडों विच की हुंदा है, लोहड़ी तो कई दिन पहला ही बच्चे लोहड़ी मंगनी शुरू कर देंदे हन। चाह विचों लोगों के घर जाके उतों लकड़ा कट्ठियां करते हैं, कि गोबर के उपले कट्ठे करते हैं। कट्ठे करके फिर सारे पिंड के विचाले जो है लोहड़ी जलाई जाती है। सारे कट्ठे हो के एको ही थां ते लोहड़ी मनाते हैं पिंडों विच। लोहड़ी वाले दिन तो मुंडे कुड़ियां दियां टोलियां जो ने लोहड़ी मंगदियां होईयां आम दिखाई दिंदियां ने। वह उच्ची उच्ची हेकां ला के लोहड़ी के गीत गाते हैं। तो मुंडियां का एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, एक गीत है, इन्हों तुसीं याद भी करना है। गीत नूं तुसीं सुनिया भी होएगा, ये गीत लोहड़ी ते। सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्हा पट्टी वाला हो, दुल्हे धी व्याई हो, सेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे बोझे पाई हो। इस तरह हो बोल के पिछे गीत नूं गाउंदे ने। हुण असीं पढ़ांगे त्यौहार क्यों मनाया जांदा, इहदे पिछे की कारण है। एक कहानी जुड़ी हुई है इस नाल, वो असीं पढ़ांगे। इस गीत विच जो दुल्हे पट्टी का नाम आया है, लोहड़ी का मुढ उस तों ही बज्जा है, यानी उदों तो ही लोहड़ी मनाई जाण लगी है। दुल्हा पट्टी एक डाकू सी, पर वह गरीबां दा हमदर्द सी, यानी गरीबां दी वह मदद करता सी, अमीरां नूं वह लुटदा सी। जो भी लुटदा समान हुंदा सी उसनूं गरीबां विच वंड दिंदा सी। जदों भी किसी नूं कोई दुख तकलीफ आउंदी तां वह फटाफट उत्थे पहुँच जांदा सी ते उहनां दी दुखां नूं दूर कर दिंदा सी। एक वारी एक ब्राह्मण सी, यानी कि पंडित सी, उस दीआं दो धीआं सन सुंदरी ते मुंदरी। वह दोवें किसी पिंड विच मंगीआं होईआं सन, यानी कि उहनां दी एंगेजमेंट होई हुई सी किसी नाल वाले पिंड विच। पर उस पिंड दा जो मुखिया सी एक हाकम सी, वह कुड़ियां ते बुरी नज़र रखता सी। तां इस तो दुखी हो के वह पंडित जो है ब्राह्मण जो है मुंडे वालियां कोल जांदा है ते बच्चियां दे विआह लई बेनती करदा है भी छेती विआह कर लो। पर मुंडे वाले भी उस हाकम तो डरदे सी ते उहनां ने विआह करन तो इनकार कर दिता। ब्राह्मण उदास हालत विच तुरिया आ रहा सी। रस्ते विच उसनूं कौन मिलिया? दुल्हा पट्टी मिलिया। ब्राह्मण ने दुल्हे नूं अपनी दुख भरी सारी कहानी सुनाई। दुल्हा ब्राह्मण का दुख सहन ना कर सकिया। उसने उसनू कहा अपनिया तियां नू लैके हुणे ही इत्थे पहुँच जाओ, ते उधरों मुंडे वालियां नू भी कहा कि मुंडियां नू लैके उत्थे पहुँच जाओ। कहिंदे ने कि दुल्हे ने रात नू जंगल विच ही अग बाली ते कुड़ियां दे फेरे करवा दित्ते। उसने कुड़ियां दा धर्म भरा बन के कहा अज तो तुहानू रत्ता भी डरन की लोड़ नहीं है, मैं तुहाडा भरा हमेशा तुहाडे नाल हाँ, यानी कि उहनां दा भरा बन के उहनां दा विआह करता। दुल्हे कोल उस वेले देण लई उहनां नूं कुछ नहीं सी, इस करके उहदे कोल एक सेर शक्कर सी जो उसने शगन दे तौर ते कुड़ियां दी झोली विच पा दित्ती। कहिंदे हन कि तद तो ही लोहड़ी दा त्यौहार मनाया जा रहा है। लोहड़ी वाले दिन लोग रिओड़ियां, मूंगफलियां, चिड़वे, मिठाइयां वंडदे हन। जिन्हां घरां विच लोहड़ी हुंदी है, यानी कि जिन्हां घरां विच मुंडा जम्मिया हुंदा है या मुंडे दा विआह होया हुंदा है, वह अपने रिश्तेदारां नूं, मित्रां नूं, सारिआं नूं अपने घर बुलाउंदे हन। ते वड्डी सारी पुग्गा बाली जाती है। पुग्गा मतलब वड्डी, ज़्यादा सारिया लकड़ियाँ ते गोहे कट्ठे करके अग बाली जाती है।
ਉਹ ਪੁੱਗੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਖੂਬ ਧੂਮ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਲਾ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਲਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਹਾਰ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬੁੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।